माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आज हम बनाएंगे मजेदार सा पनीर टिक्का बनाएंगे। वेजिटेबल के साथ इसको ग्रिल करेंगे पनीर को और इसे स्पाइसी और चटपटा बनाएंगे। चलो किचन में चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर को हम क्यूब्स में कट कर लेते हैं। अच्छा, पनीर की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे भी है, आप इसे रेडीमेड भी ले सकते हो और इसे आप घर में भी फ्रेश बना सकते हो। ये मैंने रेडीमेड लिया हुआ है। इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। जो भी साइज के आपको चाहिए उस साइज में आप कट कर लो इसे। मैं इसे इस तरह से इस शेप में कट कर रही हूँ। वेजिटेबल्स को भी मैंने इसी साइज में कट किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से सारे पनीर को हम सबसे पहले कट कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए आप, सारे पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये कुछ वेजिटेबल्स भी ली है मैंने, ये जो है रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और प्याज अनियन ली हुई है। अच्छा, इसे इस तरह से स्क्वायर्स में कट कर लिया है और ये जो अनियंस है इसके इस तरह से पेटल्स निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसका मैरिनेट रेडी करेंगे। अच्छा, एक बोल में यहाँ पर मैंने 3/4 कप योगर्ट लिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करते जाएंगे। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करना। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ले रही हूँ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर। इससे चटपटा बनेगा, कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर और साथ में 1/2 टीस्पून चाट मसाला। मैंने कहा था ना आपसे मज़ेदार सा चटपटा सा बनाएंगे इसे। और साथ में ये ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून अराउंड 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर लेंगे हम फ्रेश लेमन जूस, अराउंड 1 टीस्पून है फ्रेश लेमन जूस लिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमें मैरिनेट अच्छी तरह से हर चीज़ अच्छे से मिक्स करनी है। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। ये सारे वेजिटेबल हैं, प्याज है और ये दोनों कलर की बेल पेपर्स। फर्स्ट इसको डाल के हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल को डालने के बाद इसे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब जो है ना, ये हम जितने भी हमारे पनीर के पीसीज है इसको ऐड करने के बाद बहुत लाइट हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि पनीर पे अच्छे से मैरिनेशन की कोटिंग भी हो जाए और पनीर हमारा टूटे ना। अच्छा, पनीर और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम रखेंगे मैरिनेशन के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए और हमारा मज़ेदार सा पनीर टिक्का रेडी हो जाए। ये जब मैरिनेट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, इसके साथ है ना खट्टी और स्पाइसी जो प्याज है ना, जो हम इसे कचुम्बर कहते हैं, वो इसके साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। तो प्याज को इस तरह से मैंने लच्छे में कट कर लिया है और इसे वॉश करके ड्रेन कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ही कम, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इससे कलर भी अच्छा आएगा लाल मिर्ची से और थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा हमारा। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ये भी मैंने पिंच डाली है, और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और लेमन जूस। पनीर टिक्के के साथ ये स्पाइसी सी जो हमारी प्याज होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। हम पनीर को और वेजिटेबल्स को 15 मिनट के लिए मैरिनेशन करेंगे और फिर हम इसे ग्रिल करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स को पनीर को मैरिनेट किए 15 मिनट हो चुकी है। चलो, अब मैं ये वुडन स्क्वायर्स ले रही हूँ और इसमें हम सारी वेजिटेबल और पनीर को ऐड करेंगे। आप कोई भी सिक्वेंस में लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन बेल पेपर लिया है और फिर यहाँ पर एक पनीर का पीस लेंगे, सही है, और यहाँ पर एक अनियन रिंग ले लेंगे,
सॉरी अनियन को हमने स्क्वायर में कट किया, ये ले लेंगे और साथ में ये रेड बेल पेपर, फिर एक पनीर का पीस, आपको जिस तरह से पसंद हो आप करना, मैं इसे इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और साथ में हम लेंगे एक प्याज और फिर ये एक एंड में रेड बेल पेपर। ये हमारी ये स्क्वायर एक रेडी हो चुका है, इस तरह से दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे। ये सारे स्क्यूवर्स हमने रेडी कर लिए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ग्रिल पैन लिया हुआ है, आप इसे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हो। सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर अराउंड 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को जो है ना मैंने बिटवीन स्लो एंड मीडियम के बीच में रखा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। और पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें एक एक स्क्वायर इस तरह से ऐड करते जाएंगे। ये अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पर ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, इसे उलट पुलट करेंगे अच्छी तरह से, वेजिटेबल्स और पनीर हमारा ग्रिल हो जाएगा एक साइड से। फिर हम इसे टर्न करेंगे, जितने भी एक पैन में आते हैं इतने मैं ऐड करती जा रही हूँ। इसे ऐड करेंगे, फिर एक तरफ से अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, फिर मैं इसे टर्न करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम के पे कर दिया है और इसे देखो एक साइड से देख चेक कर लेते हैं। देखो अच्छी तरह से जो है ना ग्रिल हो रहा है, तो हम इसे साइड टर्न कर देंगे क्योंकि वेजिटेबल को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है ना। इस तरह से उलट पुलट करके हम इसे अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। ये सारे पीसेस को मैंने चारों तरफ से उलट पुलट करके कर लिया है ग्रिल, अच्छी तरह से हो चुका है। और इसे रिमूव कर लेंगे और दूसरे जितने भी हमारे स्क्यूअर्स हैं वो भी हम ऐड कर देंगे। अब हमारे जो मज़ेदार से जो पनीर टिक्का रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे इस तरह से डिश आउट करेंगे। आप देखिए इसमें कितने अच्छे कलर मार्क्स आए हैं। इसे इस तरह से सर्व करेंगे, सारी डिश आउट कर ली है। और ये जो हमने इसकी मज़ेदार सी स्पाइसी प्याज बनाई थी हमने, हमारा देसी कचुमर, और इसे हम इस तरह से इसके साथ सर्व करेंगे। और इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से चिली फ्लेक्स स्प्रिकल कर देंगे। ये हमारा मज़ेदार सा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है। ये हमारा मज़ेदार सा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और घर में तो मज़ेदार सी सिजलिंग सिजलिंग जो है वो खुशबू आ रही है। और इसके साथ जो प्याज हमने बनाई है, वाह, बहुत ही आसान है। आपने देखा बहुत ही जल्द हमने इसे तैयार कर लिया है और एज एन एपिटाइजर आप इसे सर्व कर सकते हो। इसी तरह की क्विक इजी और मज़ेदार रेसिपीज के लिए स्टे कनेक्टेड टू माँ किचन कॉर्नर।